Hello, third class. Welcome to your online class from my central school. In during the day, our chapter 13 here is processing. Today we will do long question answer of chapter 13. Our first question: what is air pollution? Air pollution kya hai? Vayu pradushan kya hai? देखो बेटा, जो व्हीकल चलते हैं उनसे जो फ्यूल निकलता है, उनसे जो धुआं निकलता है, वो हमारी एयर पोल्यूशन का भी कारण है। इसमें रीज़न नहीं पूछे, इसलिए मैंने रीज़न इसमें राइट नहीं था, केवल ये पूछा है कि एयर पोल्यूशन क्या है। तो एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, इट इज आल्सो कंटेन मैनी अदर थिंग्स लाइक दैट स्मोक, हार्मफुल गैसेस एंड जर्म्स to be air pollution, polluted air. क्या है, दोबारा से मैं बताना चाहूँगी कि एयर पोल्यूशन क्या है। एयर पोल्यूशन में क्या है बेटा कि एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, जो वायु जो है अनेक गैसों का मिश्रण है, अनेक गैसों से मिलकर बनी है। इट इज ऑल्सो कंटेन मैनी अदर थिंग्स लाइक, इट इज ऑल्सो कंटेन मैनी अदर थिंग्स, यह अनेक चीज़ों से मिलकर या इस गैस में अनेक तरीके की चीज़ें से वे परिपूर्ण है। वायु जो है जैसे लाइक दैट स्मोक, धुआं, मैंने भी बताया था, हार्मफुल गैसेस, हानिकारक गैसेस एंड जर्म्स इज सेड टू बी पोल्यूटेड एयर। इन चीज़ों से जो जो हार्मफुल गैसेस हैं या जर्म्स हैं, है ना, और स्मोक है, जिस ये क्या ये सारी चीज़ें वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, जिससे कि हमारा वायु प्रदूषण हो जाता है, राइट। और मैं इसके अनेक कारण अभी इसमें नहीं पूछा, मैंने पहले कहा था स्मोक जैसे नंबर वन है। स्मोक स्मोक क्या है, जैसे लकड़ी का जलना या फैक्ट्रियों में की चिमनियों में से धुआं निकलना, उसके और व्हीकल जब चलते हैं तो उनमें से जो गैस भरी जाती है उसका जो गैस वो भी धुआं निकल, व्हीकल चलते हैं, कुछ व्हीकल्स के जो धुआं निकलते हैं उनमें से भी वायु को प्रदूषण प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा जैसे कहीं पानी इकट्ठा हो जाना या कुछ वहाँ पर पानी के कारण उसमें कीड़े मकोड़े सड़ जाते हैं और वो गंदगी से गंदी वायु होती है, वायु को भी जब भी इसके द्वारा भी प्रदूषित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि एयर पोल्यूशन क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एयर, बिना वायु के नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव, सजीव वस्तुएं जीवित नहीं रह सकती, बिना वायु के सजीव वस्तुएं जीवित नहीं रह सकती, क्यों? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, सभी सजीव वस्तुओं को सांस लेने के लिए इसकी आवश्यकता होती है वायु। विदाउट एयर कैन नॉट सर्वाइव, बिना वायु के लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, बिना वायु के हम जीवन नहीं रह सकते। देयरफॉर एयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द लिविंग इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर अस, इसलिए वायु हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक तो ये हमारे को सांस लेने में तो मस्ट है, एकदम कंपल्सरी है, इसके साथ साथ हमारे अदर वर्क में भी ये हेल्प करते हैं, जैसे कि जो व्हीकल्स टायर होते हैं एयर फिलअप करके ऊपर व्हीकल को चला मूविंग करने में हेल्प करती है। और इसके साथ साथ मान लो हम कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं, तो उसमें भी एयर क्लॉथ्स को ड्राई करने में, कपड़ों को सुखाने में भी एयर का हेल्प करती है एयर। और इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बैलून गुब्बारे फुलाना जिसको बोलते हैं, तो बैलून में भी एयर फिलअप की जाती है, गैस सिलेंडरों में भी गैस का यूज़ करा जाता है। तो लेकिन उसमें हमारे
हमारी दूसरी गैसेस यूज होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये समझाने के लिए आपको बोलने राइट करती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ क्योंकि ओनली क्वेश्चन ये है कि हम विदाउट एयर जीवित नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि अगर निकल नहीं चलेंगे तो हमारे आने जाने के जो साधन है ना, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो एयर का इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया है कि कपड़े सुखाने में, क्लॉथ ड्राई करने में और विकल नहीं करने में भी एयर हेल्पफुल है। हमारी ब्रीथिंग में तो है ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। तो बच्चों आपको ये जो लोग क्वेश्चन आंसर कराए हैं आपको समझ आएंगे। तो आई थिंक एक बात और कहना चाहूँगी, ये आपको राइटिंग करनी है और लर्निंग करनी है, इट इज़ योर होमवर्क। थैंक यू, बाय।